जयम विष्णु पारमहंस परिवृताचार्य अष्टोत्तर सदस्य सिद्धांत पाद की अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की निताई घोर प्रेमानंदे। नाखून से मतलब तो ही सेट करो जो मतलब पास बड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया सक्षूरन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते। सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देस्ताणी रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो इसमें के नाखून राजस्वी जो है मैक्सिमम जे लोगों जे खांचा में बैठा से एमज आवाज नहीं है पासर संभाई से भाई। तो आज मैं श्रीमद् भागवतम के साथ में स्कंद में नरसिंह देव भगवान की जो कथाएं हैं उसमें से हमारे लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है। वो शिक्षाओं को हमारे जीवन में उतारने से अर्थात अभ्यास में लाने से हमारी कृष्ण भक्ति में वृद्धि होती है। अलग अलग पात्रों से शिक्षा है, हिरण्यकशिपु से भी शिक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा। प्रहलाद महाराज से शिक्षा है, नरसिंह देव भगवान से शिक्षा है, देवताओं से शिक्षा है, अलग अलग शिक्षाएं हैं। क्या मन करियो टेम्परेचर लेवल नहीं बाहर से ले तो जुइए नहीं तो चाल है। सब पंखे पांच पे होते तो अच्छा है। अभी तो क्या है करंट भी कम पड़ रहा है लग रहा है। पूरा गुजरात में पांच पर चल रहे पंखे। तो ऐसी शिक्षाएं हैं पात्रों से, जो अलग अलग पात्र हैं उनसे, उन शिक्षाओं को हमारे जीवन में अभ्यास करने से हमारी कृष्ण भक्ति में प्रगति होगी। तो ऐसी शिक्षाओं 18 शिक्षाओं पर चर्चा करूंगा आज। जितनी होगी लेंगे तो पूरी नहीं होगी तो शायद अगले शुक्रवार को लेंगे। पहली शिक्षा है हिरण्यकशिपु से। जब वरा भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और असुर मित्रों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि आप लोग पृथ्वी लोक पर जाइए और तीन चीज का नाश कीजिए, ब्राह्मण वेद और गाय, क्योंकि ये तीन यज्ञ के मूल है और यज्ञ से विष्णु प्रसन्न होते हैं। असुरों को भी पता था पहले भगवान प्रसन्न किससे होते हैं, यज्ञ से। कलयुग में वो है संकीर्तन यज्ञ से। आज के विद्वानों को भी पता नहीं है कि भगवान किससे प्रसन्न हो गए। कोई भागवत कथाकार को पूछे भगवान किससे प्रसन्न होंगे, जवाब नहीं दे पाए। पहले असुरों को भी पता था कि भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। उसके बाद उनको आदेश देने के बाद हिरण्यकश्यपु तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त करना चाहता था अमर होने के लिए, और शक्ति प्राप्त करके वो विष्णु को मारना चाहता था। लेकिन उसके बीच में एक बाधा थी। क्या बाधा थी? परिवार वाले रो रहे थे
क्या कर रहे थे? हाँ, क्यों रो रहे थे? क्योंकि हिरण्याक्ष को भगवान ने, अब घर वाले रो रहे हैं तो वो तपस्या कर रहे हैं, मन नहीं लगेगा ना, तो बोला पहले घर वालों को सांत्वना दे दूं, क्या दे दूं? और उसने फिर भगवत गीता बोलना शुरू किया, किसने? हिरण्यकश्यप उवाच, श्री भगवान उवाच। आप भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और हिरण्यकश्यप का उपदेश जो अपने परिवारजनों को दिया पढ़ेंगे, कोई अंतर नहीं है। जबरदस्त उपदेश दिया, बोला तुम लोग मूर्ख हो, मेरे भाई की मृत्यु पर शोक कर रहे हो। मेरा भाई वीर था, वीर जब वीर वीर गति को प्राप्त करते तो शोक करना नहीं चाहिए। फिर कहा वो शरीर नहीं आत्मा था। क्या था? हाँ, आत्मा कभी मरता नहीं है, मेरा भाई नहीं मरा है, वो तो आत्मा था, ये तो शरीर मर गया है, तुम लोग मूर्ख को शोक करते हो। आत्मा एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाती है, आत्मा सनातन है, अवयव है, अविनाशी है। आप उपदेश देखेंगे, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़े भगवान के भक्त बोले ऐसा लग रहा है। फिर बताया कि आत्मा भौतिक शरीर धारण क्यों करती है, बताए? बोला अपनी स्वतंत्र उपयोग, स्वतंत्र शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण इसको देह धारण करना पड़ रहा है। ले बात सही है, हमने मनुष्य शरीर धारण, ये भौतिक देह क्यों धारण किया आत्मा ने? हमने अपनी स्वतंत्र शक्ति का क्या किया? मिसयूज किया इसलिए। फिर उसने बताया ये परिवार में लोग आते जाते, ये कैसा है, ये भोजनालय के समान है। भोजनालय में आधुनिक जगत में होटल बोलेंगे। एक होटल में एक परिवार सूरत से आया है, टेबल पर बैठा है, दूसरा परिवार अहमदाबाद से आया है, टेबल पर बैठा है, कहाँ से भाई बात करेंगे? और खाना खाने के बाद एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो इस संसार में ऐसा ही होता है। दादा गए तो पोती आई, दादी गए तो पोता आया, एक जाता है एक आता है, एक जाता है। अरे संसार ऐसा ही है, इसे शौक नहीं करना चाहिए। ऐसे अलग अलग तरीके से उन्होंने उपदेश दिया, किसने? हिरण्यकश्यपु ने। फिर और इस उपदेश दिया जो मैंने बताया था उसमें, सुयज्ञ राजा का, कि आप लोग शोक करते रहेंगे ना तो मृत्यु आपको दबोच देगी, आप भी आत्मा साक्षात्कार में अपना मन लगाइए। अब हिरण्यकश्यपु शिक्षा क्या लेना है? शिक्षा ये लेना है कि ये आत्मा ज्ञान का उपदेश दे रहा है लेकिन अपने जीवन में उतारने का कोई उद्देश्य नहीं। इसको गुजराती माने शू क्या? पोपटियो ज्ञान, सोनो ज्ञान, खाली तोते की तरह बोलने के लिए है और इसका कोई उद्देश्य है। जब भगवान नरसिंह देव ने अट्टहास्य किया, सिंह जैसी गर्जना किया, तो ये डर गया। तब उसको नहीं लगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा और आत्मा मरूंगा नहीं, तब तो घबरा गया था। तेरे ज्ञान ज्ञान कहाँ गया भाई रावण, तेरे ज्ञान कहाँ गया? मतलब वो जो ज्ञान था उसका, वो खाली बोलने के लिए था। तो यहां पर ये एक सिद्धांत है कि अगर ये जो ज्ञान सुन रहे हैं इसको प्रयास करके जीवन में उतारने का उद्देश्य नहीं है तो इस ज्ञान का कोई वैल्यू, शर्म ही एव केवलम। तो हिरण्यकश्यपु का जो ज्ञान था वो जीवन में उतारने के उद्देश्य से नहीं था, खाली तोते की तरफ बोलने के लिए था, एक परिवार को अनुकूल स्थिति में लाने के लिए था, और कोई उसका उद्देश्य था नहीं। दूसरी ओर, दूसरा, ये ज्ञान भगवान गुरु और वैष्णव की कृपा से हृदय में उतरता है, अर्थात हम अभ्यास में ला सकते हैं इस ज्ञान। ज्ञान का साक्षात्कार ये तीन लोगों की कृपा से होता है। कितने लोगों की कृपा होता है? साक्षात्कार का मतलब क्या है? अनुभव करना उस ज्ञान को। क्या करना भाई? एक है बोलना, शरीरी आत्मा है, और एक आत्मा का अनुभव करना। तो बोलना उसको सैद्धांतिक ज्ञान कहते हैं, जो अनुभव करना उसको साक्षात्कार युक्त ज्ञान कहते हैं। तो ये जो साक्षात्कार होता है ज्ञान का, इसका अनुभव होता है भगवान की, वैष्णव की, गुरु की कृपा से। इसके बारे में एक श्लोक है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु प्रकाश मन्ते हि मात्मना। गुरु और वैष्णव और भगवान की कृपा से
ये जो ज्ञान है वेदों का ज्ञान, इसका सार हमारे हृदय में प्रकट होता है और हम उसको साक्षात्कार कर पाते हैं इस ज्ञान को। इस ज्ञान का साक्षात्कार करना इतना आसान नहीं है। और हम देखते हैं जब नरसिंह देव भगवान ने प्रहलाद महाराज, अरे हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, और नरसिंह देव भगवान पहला काम क्या करते हैं? हाथ रखते हैं। तो प्रहलाद महाराज को, वे तो वो साक्षात्कार ही पुरुष थे, समस्त वेदों का ज्ञान का साक्षात्कार हो गया उसको। और सेम परिस्थिति आती है ध्रुव महाराज के किस्से में, क्या रखा? शंख। वो स्तुति करना चाहते थे लेकिन कुछ साक्षात्कार नहीं था, भगवान को देखा ही ना, तो साक्षात्कार कैसे होगा? डिस्कस नहीं किया है, वार्तालाप नहीं किया है, साथ में बैठे नहीं है, उठे नहीं है, तो साक्षात्कार नहीं होगा ना। उनको समस्त भगवान की अनंत शक्तियों का साक्षात्कार हो गया, और प्रहलाद महाराज को भी भगवान की अनंत शक्तियों का साक्षात्कार हो गया, बहुत लंबी स्तुति किया। तो कहने का मतलब ये ज्ञान है, ये खाली सुनने के लिए नहीं पर जीवन में उतारने के लिए लेना है तो ही काम का है, नहीं तो हिरण्य कश्यप की तरह हम रहेंगे, इसका कोई वैल्यू आएगा नहीं, ये शिक्षा दिया। दूसरी शिक्षा है हिरण्य कश्यप की। अब हिरण्य कश्यप ने अपने परिवार वालों को शोक से मुक्त कर दिया ज्ञान देकर, जैसे भगवान ने अर्जुन किया ऐसे ही मुक्त हो गया वो परिवार वाले। फिर वो तपस्या करने गया, बहुत कठिन तपस्या करता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने अपने जीवन काल में ऐसी तपस्या नहीं देखी। आप सोचिए, ब्रह्मा जी का आयुष बहुत लंबे ने, बड़े बड़े असुर आए होंगे, बोला इतिहास में तेरी जैसी तपस्या किसने किया ही नहीं है। तो मेरा प्रश्न है, इतनी बड़ी तपस्या करने का फल क्या? बस फिनिश। इतनी सारी तपस्या एक झटके के अंदर उसकी सब तपस्या में पानी फिर गया, विनाश हो गया तपस्या का फल, भगवान ने उसको मार दिया, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। और ये तो प्रहलाद महाराज की कृपा नहीं होती तो वो कहां जाता? नरक में। ये तो प्रहलाद महाराज की कृपा हुई कि उसको मुक्ति मिल गई, नहीं तो नरक में जाता, भगवान का अपराध किया था उसने। अच्छा, उसका तपस्या का उद्देश्य क्या था बताएं? भौतिक सुख भोगना, अमर बन के घर का। भाई अमर बनना तो खाली सोने के लिए थोड़ी बनना है, सोना भी एक सुख है, लेकिन जो पांच इंद्रियां हैं हमारी उससे सुख भोगना। तो हमारे और हिरण्य कश्यप में क्या अंतर है? हम भी तपस्या करते हैं ना, क्या तपस्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए। कितनी कठिन जॉब करते हैं, गर्मी के अंदर फैक्ट्री में तोड़ते हैं, बाजार में 42 डिग्री में, तपस्या है ना एक प्रकार की, बहुत बड़ी तपस्या है। उद्देश्य क्या है? भौतिक सुख भोगना। हमारा और इन्हीं का सुख का गोल एक ही है, कमल दल जल जीवन टल मल भजहु हरि पद नीति रे। हम कितनी भी तपस्या करें एक सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। अभी हम थोड़े दिन पहले संदेसर गए थे, हमारा एक भक्त है निकुंज पटेल यूएसए, उसका मित्र था डीके संदेसर का। मैं गुजरात में पहला पैर रखा तो संदेसर में रखा, संदेसर लोग हम बड़ा प्रेम करते हैं क्योंकि मैं 1 साल वहां रहा था संदेसर में, इसको नानस वेले, मेरे सब पुराने मित्र हैं सब ऐसे। तो 42, 41 या 40 थी, अटैक आ गया, एकदम यंग, एकदम यंग, वो मनन जैसा दिखता था, अटैक आ गया। और नीलेश उसको हॉस्पिटल ले गया, कुर्सी पे बिठाया, वहीं पर गिर गया। बोला उसको बोला मैं छाती में पीड़ा हो रही है, तो दौड़ के ले गए घर से हॉस्पिटल में, कुर्सी में बिठाया, डॉक्टर को बुलाया, वापस आया तब तक गरीब बोल गौर प्रेमानंद। ऐसा जीवन है, कोई ठिकाना नहीं है। तो कहने का मतलब हम भी तपस्या करते हैं लेकिन ये भौतिक सुख के लिए। तो हिरण्यकश्यप की तपस्या मूर्तपूर्ण थी। क्यों क्यों मूर्तपूर्ण थी? क्योंकि उस तपस्या से वो अमर होकर सुख भोगना चाहता था। हमारा भी यही उद्देश्य है, हम भी मरना नहीं चाहते हैं, अमर रहना चाहते हैं और मेहनत करते के सुखी होना चाहते हैं। तो हिरण्यकश्यप जिस उद्देश्य को लेकर वो तपस्या कर रहा था उसका उद्देश्य कभी फलीभूत होने वाला, क्योंकि अमर हो ही नहीं सकते, भौतिक जगत में शरीर में साथ अमर नहीं हो सकते आप, प्रकृति का नियम है, एक समय के बाद तो मरना पड़ेगा।
तो अगर हम भी ऐसे ही तपस्या करते हैं इस उद्देश्य से, तो हमारी तपस्या भी क्या है? मूर्खतापूर्ण है। अच्छा, अगर जितनी हिरण्यकश्यपु ने तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए की होती ना, तो आज सनातन आनंद, सनातन ज्ञान, सनातन ऐश्वर्य और सनातन परिवार, भौतिक जगत में सब क्षणिक है। क्षणिक परिवार, क्षणिक ऐश्वर्य, ऐश्वर्य धन सत्ता पद इत्यादि, परिवार सब क्षणिक है। उस तपस्या के बदले में ये सब शाश्वत काल के लिए मिलता उसको, इतनी तपस्या है। एक बच्चा पढ़ता है, तपस्या करता है, पढ़ाई तपस्या है ना, पढ़ना नहीं चाहता, नहीं तपस्या है, तपस्या अच्छी नहीं लगती है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, केजी से लेकर पीएचडी तक एक बच्चा जितनी किताब पढ़ता है, अगर वो इतनी भागवतम पढ़ लेगा तो परमहंस बन जाएगा। इतना ऐश्वर्य मिलेगा उसको, ध्रुव महाराज के समान ऐश्वर्य मिलेगा उसको। बोलो, मैं राइटिंग में सोने की प्लेट पर लिख के दे सकता हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे पास सोना है नहीं, लेकिन आप प्लेट देंगे तो मैं साइन कर दूंगा। मतलब इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना घंटा वो पढ़ाई करता, पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है? आनंद लेना। आनंद मिलेगा नहीं, इस गर्मी में क्या व्यक्ति आनंद भोग करेगा? बेचारा सेका जाएगा, क्या करा जाएगा, फ्राई हो जाएगा। दिन प्रतिदिन ये गर्मी बढ़ रही है। हाँ, बहुत एक सुंदर महाभारत का श्लोक निकालूंगा, ताजा समाचार क्या है इस जगत का, ताजा समाचार क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने धर्मराज से पूछा, नहीं, धर्मराज ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा, मौत का कुआं का है ना, जब पांडव मर जाते हैं वन के अंदर वहां पर, तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया ताजा समाचार क्या है, अगले शुक्रवार को बताऊंगा इस जगत का ताजा समाचार। मोदी जीत जाएगा, 400 सीट ले आएगा, वो ताजा समाचार नहीं है। हाँ, एक ताजा समाचार बताऊंगा अगले शुक्रवार को। कौन सी तारीख देखो भाई? परेशान, ठीक है, जो भी है, इलेक्शन का रिजल्ट तो 6 तारीख को, जो भी है, कोई जीतेगा, महंगाई तो घटने वाली नहीं है। देखो भाई, मेहनत तो इतनी कर रही है, वर्किंग आवर्स कम होने वाले नहीं है, मैं लिख के दे देता हूं, कोई भी नेता आ जाएगा तो। हाँ, भगवान का भक्त आएगा तो बात अलग है, अदरवाइज आपके वर्किंग आवर तो कम होने वाले नहीं है, जो आप आनंद लेना चाहते हैं वो तो मिलने वाला नहीं है, कोई भी जीतेगा, ये लिख के रखिए मेरे सब। अच्छा, तो ये तपस्या मेरा हिरण्य किसी से शिक्षा लेना है, मूर्ख था, हमको मूर्ख नहीं बनना है, हमको ऐसी तपस्या करना है जिससे धन परिवार सत्ता शरीर ये सब कैसा मिले? शाश्वत, जिसका कभी नाश ना हो, ऐसी तपस्या की भलावण, गुजराती में भलावण, हिंदी में क्या बोलेंगे? सिफारिश नहीं, शब्द अच्छा है, सुझाव दिया है ऋषभदेव भगवान है। नाह्यम देव भाजा नरलोके कृष्णान कामान ही अर्थे विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकार। हे पुत्रों, दिव्य तपस्या करो, क्या होगा? तस्माद ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम, तपस्या करो अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए करो, अनंत ब्रह्म सुख, ऐसे सुख की कोई पराकाष्ठा नहीं है और एंड नहीं है, ऐसे सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। और हम ऐसे सुख की तपस्या करते हैं जो हिरण्य के तपस्या की तरह, क्या होगा? कमल दल जल जीवन टल मल भजहु हरि पद नीति रे, कमल के पानी के समान है, चला गया उसका, आगे आएगा प्रहलाद महाराज, बोलेंगे उसके बारे में, हिरण्य के शिव के सुख के बारे में बताएंगे, बहुत अच्छा बताएंगे। अरे भाई, इतना सुख था तो बेचारा रात को सोता नहीं था, नींद की गोली लेनी पड़ती थी। आगे आएगा उसको एक शिक्षा, पहली शिक्षा हिरण्य के शिव से क्या लिया, याद कराता हूं मैं, ज्ञान खाली सुनने के लिए नहीं लेकिन जीवन में, हिरण्य के पास ज्ञान था लेकिन खाली सुनने के लिए और सुनाने के लिए था, उतारने के लिए नहीं था, इसलिए वो दुखी हुआ मरा। दूसरा ही नहीं सीखा कि हमको व्यर्थ की तपस्या है, तपस्या ऐसी होनी चाहिए शाश्वत सुख, शाश्वत जीवन, शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। तीसरी शिक्षा है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को उल्टा सीधा वरदान दिया। कैसा वरदान दिया? जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो
ब्रह्मा जी नरसिंह देव अरे इधर नहीं, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी नजीक आए। डरते थे, क्यों डर रहे थे? प्रभु आपका क्रोध बहुत तेज था, डर लग रहा था, आपका रूप बहुत विकराल था। बोला ये रूप किसके कारण हुआ? मुझे पता नहीं। तेरे कारण हुआ ब्रह्मा जी। हाँ प्रभु, मेरे कारण कैसे हुआ? बोला तुमने उल्टा सीधा वरदान दिया, अंदर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, मनुष्य नहीं होगा, पशु नहीं होगा, तो मैं बीच का रास्ता निकाल के आया हूं और तू उसी से रूप से डर रहा है, तो मैं क्या करूं? बात सही है कि नहीं? आइंदा से ऐसा वरदान मत देना। भगवान ने डांटा ब्रह्मा जी, ये सही वरदान नहीं है, इस तरह से असुरों को प्रोत्साहित मत करो। तो उल्टा सीधा वरदान देने के कारण भगवान से सुनना पड़ेगा। कई बार भक्त लोग भी आशीर्वाद देते, तू सुखी हो जा, ये उल्टा सीधा वरदान है। कैसे? भगवान ने बताया है दुखालयम, ये भौतिक जगत दुखों से भरा है, और भक्त गुजराती के हार डायो थे इनके ले सुखी था। अरे भगवान कह रहा मैं आज जगत दुखी बनाया उसे, तू डो डायो था इसे। गुजराती में तो गुजराती में से नहीं। तो इस तरह से डो डाया नहीं होना चाहिए भक्त को, भगवान की इच्छा के अनुरूप आशीर्वाद देना चाहिए। अब सरकार नियम बनाती है कि जेल में जो व्यक्ति आएगा दुख भुगतेगा, और कोई जाएगा मैं जेल को सुखमय बनाना चाहता हूं, तो उसका आशीर्वाद कैसा है? मूर्खतापूर्ण है, हास्यपाद है। जेल में कभी सुखी नहीं रह सकता व्यक्ति, एक ही रास्ता है जेल से सुखी होने का, बाहर निकलो। तो ये जगत जेल के समान है, इसमें सुखी नहीं हो सकते हैं। जो भी कथाकथित साधु आशीर्वाद देते हैं वो भगवान से विरोध में जाते हैं, क्योंकि भगवान ने सिक्का मार दिया दुखालयम शाश्वतम, इस जगत में आप सुखी नहीं हो सकते हैं, इसे बाहर निकलो, बेंगलुरु जाओ, सुखी हो जाएंगे। तो ये तीसरा ब्रह्मा जी से शिक्षा लिया कि उल्टा सीधा आशीर्वाद नहीं देना। चौथा शिक्षा दिया है हिरण्यकशिपु ने। तो जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेके आ गया, तीनों लोगों को वश में कर लिया, खाली ब्रह्मा जी को छोड़कर 13 लोग उसके कंट्रोल में थे, नीचे 7, बीच में 3 और ऊपर के 3, बीच में 3 में भूर और स्व, 3 जनलोक तपलोक महरलोक, ब्रह्मलोक नहीं, 3, 3, 6 और 7, 13 लोकों का राजा था। ब्रह्मलोक को छोड़ दिया, कम से कम दादा तो अच्छा नहीं, दादा के साथ युद्ध करना है। हिरण्यकशिपु के दादा, दादा नहीं, परदादा है ब्रह्मा जी, कौन बताएगा कनेक्शन परदादा का? हिरण्यकशिपु बाप का नाम क्या है? नहीं थोड़े नए लोग बोलेंगे करो, कश्यप मुनि। कश्यप मुनि का बाप का नाम क्या है? मरीचि। मरीचि के बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा जी। वो दादा का दादा होता है हिरण्यकशिपु का, तब दादा से पंगा नहीं लेना, अभी बाद में देखेंगे जो भी है। तो 13 लोकों के अंदर जो भी सुख अवेलेबल था, सुनना, गाना, नाचना, स्त्रियों का पीना, सोना, सब कुछ भोगा। और भागवत में श्लोक लिखा है 7वां स्कंद 4वां अध्याय श्लोक संख्या 19, उसमें कहा हजारों सालों तक भोग करने के बाद भी असंतुष्ट था। क्या लिखा है? स इत्थम निर्जित कुबेराड विस्यान प्रिया यथोम्ब जोम भुजान न अतृप्त अजित इंद्रिया। समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके यथासंभव सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति का भोग करने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा। दो कारण, किसके कारण? क्या कारण? दो, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं। जिसका मन और इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, उसको 14 लोकों का सुख मिल जाए, वो सुखी नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। यस, इन्हें कैसे होगा स्टेटमेंट? दूसरा स्टेटमेंट किसका है? ययाति महाराज का। याति महाराज ने देवयानी के साथ 1000 साल तक जाति जीवन का भोग किया, 1000। भागवत लिखा है फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, अंत में वो वन में चले गए, त्याग कर भगवान के भक्त बन गए, बहुत बड़े भक्त बन गए।
तीसरा उदाहरण है बलि महाराज और वामन देव भगवान के साथ, और सॉरी तीसरा उदाहरण है रावण का। रावण 14 लोकों के अंदर ऋषियों की कन्या, देवताओं की कन्या, राजाओं की कन्या, असुरों की कन्या, गंधर्वों की कन्या, करोड़ों करोड़ों कन्याओं को लेके आया था। रामायण में लिखा है जब हनुमान जी गए सीता को ढूंढने के लिए, तो रावण के पर्सनल महल के अंदर गए जिसमें करोड़ों स्त्रियां सोई हुई थी। कितनी स्त्रियां सोई हुई थी? करोड़ों स्त्रियों का भोग किया रावण, फिर भी असंतुष्ट था। ये स्टेटमेंट शास्त्रों का। तीसरा उदाहरण है बलि महाराज और वामनदेव भगवान के बीच, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में संवाद आता है। जब वामन भगवान ब्राह्मण बन के जाते हैं भिक्षा के लिए, बलि महाराज तीनों लोकों के राजा है हिरण्य कश्यप की तरह भी, तो उन्होंने कुछ मांगा कि दान मांगवा। बोला 3 डगला जमीन, छोटा है, तेरी बुद्धि भी छोटी है। भगवान बोला, बोला मेरी बुद्धि छोटी नहीं है और मैं भी छोटा नहीं हूं, लेकिन मैं छल कर रहा हूं तेरे साथ। एनीवे, तो उन्होंने बोला मांगो, मैं तीनों लोगों को दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? हाँ, वामन देव भगवान ने कहा नहीं, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्यों? बोला ये इंद्रियां कल उठ के 3 गांव मांगेगी, परसों 3 राज्य मांगेगी, 3 जिले मांगेगी, फिर 3 राज्य मांगेगी, फिर 3 द्वीप मांगेगी, फिर 3 लोग मांगेगी, फिर 3 ब्रह्मांड मांगेगी, तो भी ये संतुष्ट होगा नहीं, क्योंकि ये शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। ये शरीर जड़ है, आत्मा चिन्मय है, और ये 14 लोकों के अंदर जो भी सुख अवेलेबल है वो जड़ है, इससे संतुष्ट नहीं होंगे। जड़ सुख है, आत्मा की डिमांड आध्यात्मिक है, और हम वो सुख जड़ चीजों में ढूंढ रहे हैं, ये नहीं मिलेगा। तो हिरण्यकश्यपु से एक शिक्षा चौथी लेनी है कि हम भौतिक जगत के अंदर कितना भी इंद्रिय भोग करेंगे, हम सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम शरीर नहीं, कौन है? आत्मा का सुख क्या है? अलग है। ये चौथी शिक्षा। पांचवी शिक्षा हम देवताओं से लेना है। जब हिरण्यकश्यप इस तरह से भोग कर रहा था, तो देवताओं के भोग में बाधा आ रही थी। क्या आ रही थी? क्या बाधा आ रही थी? अब देवराज इंद्र को अप्सराओं के साथ नाचने जाना है, इन्हें कहा इधर बैठ, इधर सोमरस का प्याला ला मेरे लिए, तो ऐसे लेके आता है प्लेट। यस सर। कौन? देवराज इंद्र। सबको नौकर चाकर बना दिया। अब ये बेचारे इंद्रिय भोग से वंचित हो रहे थे, तो गए भगवान के पास कि यार हिरण्यकश्यप ने हमें दास बना के रख दिया है। क्या बना के रख दिया है? तो भगवान ने जवाब दिया, लेकिन सब भगवान ने सबसे पहला क्या बोला पता आपको? कि तुम लोग श्रवण कीर्तन करके मेरी भक्ति करो। क्या करो? और 2-4 श्लोक बोलने के बाद बोला कि जब ये हिरण्यकश्यप प्रहलाद को सताएगा तब मैं मार दूंगा। लेकिन पहला भगवान ने सॉल्यूशन क्या दिया? श्रवण कीर्तन करके मेरी भक्ति करो। क्यों? देवता भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करते देवता। ऐसा क्यों बोला? पढ़ना श्लोक लिखा है, श्रवण कीर्तन करके मेरे भक्त बनो। देवता भक्त है लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं करते, शुद्ध भक्त नहीं है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं इस असुर को तो मार दूंगा, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, आपकी समस्या जारी रहेगी, लेकिन आप श्रवण कीर्तन करके भक्ति करेंगे तो वैकुंठ में चले जाएंगे, तो ये समस्या का मूल समाधान हो जाएगा। तो समस्या का मूल समाधान क्या है? श्रवण कीर्तन करके भक्ति करके कहां चला जाना? वैकुंठ में। बा फिर वहां पर हिरण्यकश्यपु नहीं आए, वहां पर इंजॉयमेंट भी इंजॉयमेंट है, बस आनंद ही आनंद है कृष्ण के साथ, नाचना गाना खाना और मजा करना, बस कुछ है ही नहीं। हम सब मजा करना चाहते हैं, लोग इस गर्मी में घूमने पिकनिक जाना चाहते हैं। क्या पिकनिक जाके तब जाएंगे? क्या पिकनिक करेंगे लोग? लोग घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। नहीं, बहुत साल पहले मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था, एक एक व्यक्ति था, उसने बोला इंग्लिश में बोला था किसी के साथ, आई वेंट गोवा, मैं गोवा गया बट आई नॉट इंजॉय इट, मैंने मजा नहीं ले पाया। मैं बोलने वाला था भौतिक जगत में कोई भी मजा नहीं ले पाता, सबकी पिसाई होती है यहाँ पर। एनी, देवताओं से क्या शिक्षा? समस्या का मूल समाधान क्या है?
श्रवण कीर्तन वाली भक्ति जो हमको ले जाएगी। देवता श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, देवता भक्त है और वो सकाम भक्त है। कैसे भक्त है? जब जब समस्या आती है विष्णु के पास जाते हैं। बस ये है प्रहलाद महाराज की शिक्षा। अब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को बहुत धमकाया, बोला इसको मार दो अलग अलग तरीके से, हाथी के नीचे सर्पों का जहर दे दो, सर्पों को प्रेरित करो, इसको काटे पर्वत के ऊपर से फेंटो होलिका। अब ये है, ये होलिका भी आया तो बोल देता हूं, वैष्णव जन होली नहीं मनाते, होलिका फेस्टिवल वैष्णव नहीं मनाते। क्यों? भक्त होली मनाना मतलब हम प्रहलाद महाराज को जला रहे हैं और होलिका को सपोर्ट कर रहे हैं। तब भला हम प्रहलाद महाराज को जलाएंगे तो वैष्णव का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? बराबर। तो एक बार वो रावण दहन किया तो एक भक्ति कमेंट आई कि प्रभु तो जय विजय है, आप जला नहीं सकते। बात सही है, इसे दूसरी बार मेरे को बोला था वो पेटला, तो मैं बोला जलाऊंगा नहीं। बात सही है, सिद्धांतिक बात है, मेरे पहले पता नहीं था ऐसे। रावण दहन एक शिक्षा के लिए हो सकता है ऐसे, लेकिन तो भी प्रभुपाद जी के समय में नहीं था ऐसे। जो भी है, तो प्रहलाद महाराज को इतना धमकाया, लेकिन शरणागति के 6 अंग है। कितने अंग है? रक्षति इति विश्वासो, ये क्या है? रक्षति इति भगवान मेरी पूर्ण तरह से रक्षा करेंगे, ये प्रहलाद महाराज को पूर्ण विश्वास था। इसलिए हिरण्यकश्यपु कितना भी धमाल कर रहा था, प्रहलाद महाराज ही शांत हो ऐसे कर रहे थे, बिल्कुल भयभीत नहीं थे। उसको पता है भगवान की इच्छा के बिना मेरे को बाल भी वाका नहीं कर सकता, इसकी मजाल नहीं मेरे को हाथ लगा सकता है, इतना विश्वास। तो हमें प्रहलाद महाराज की नकल नहीं करनी चाहिए कि हम जंगल में गए हैं, शेर आ रहा है, रक्षति इति विश्वासो। ये श्लोक नहीं बोल रहा है, वहां तो भागना है। क्या कर रहा है? और साथ में श्लोक बोल रहा है, शेर के सामने खड़ा होकर नहीं बोला रक्षति इति विश्वासो, फिर शेर ऐसे रक्षति इति विश्वासो, शेर बोलेगा फिर। तो हम प्रहलाद महाराज की उच्च पद की नकल नहीं कर सकते हैं। हमारा इस तरह यह है कि हमको बचने का प्रयास करना है, भागना है, प्रार्थना करना है, फिर भी पकड़े जाते हैं इसी से, तो फिर श्लोक बोलना है, मारो भी रागो भी जो इच्छा तुआ, फिर शौक नहीं करना है। यस, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, अपना 100% प्रयास करने के बावजूद भी अगर कोई हमको बचा नहीं पा रहा है तो संबंध भगवान की इच्छा है। यस, फिर उसके लिए मृत्यु के लिए शौक नहीं करना चाहिए। तो ये प्रहलाद महाराज से शिक्षा है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। फिर हिरण्यकश्यपु से एक शिक्षा है कि जब अब कोई महात्माओं को प्रहलाद महाराज को सताया, क्या किया? बहुत कष्ट दिया हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को। जब कोई महात्माओं को सताता है तो क्या क्या नष्ट होता है, ऐसा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में लिखा है। क्या नष्ट होता है? आयु श्रिय यशो धर्म लोका नाम आशीषेव अंति श्रियांशी सर्वाणी पुंसो महत विक्रम। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु चली जाती है, सौंदर्य चला जाता है, यश चला जाता है, धर्म चला जाता है, आशीर्वाद चले जाते हैं, और उच्च लोगों के जाने के रास्ते क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ऑलमोस्ट अमर जैसा था, लेकिन प्रहलाद महाराज को सताने के कारण मारा गया। दूसरा उदाहरण है कौरव सभा में भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ये लोग सब अजय और अमर जैसे थे, लगभग अमर जैसे थे, दुनिया की कोई ताकत इनको पराजित नहीं कर सकती है। लेकिन भगवान कृष्ण की महान भक्ति, माता द्रौपदी के केशों का दर्शन और उनको बचाने का प्रयास न करने के कारण सबकी वीर गति हो गई। लिखा है भागवत पहले स्कंद में लिखा है, द्रौपदी के अपराध के कारण कुरुवंश के समस्त सेनाओं की आयु छीन ली भगवान ने, समस्त, क्योंकि महासती का अपराध किया था। इसमें भीष्मदेव भी आ गए,
एक भीष्मदेव की पोजीशन अलग है, वो महाजन है, लेकिन कहने का मतलब है अगर भीष्मदेव भी इस तरह के सपोर्ट करते तो बच नहीं सकते, कहने का भाव ये है। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को सताने के कारण सब कुछ उसका चला गया, यश चला गया, शक्ति चली गई, जो देवताओं को भी आश्चर्यचकित में डालने वाली थी। प्रहलाद महाराज से महत्वपूर्ण शिक्षा है, अब प्रतिकूल वातावरण में भी अपनी भक्ति को टिकाए रखना। कैसी वातावरण में? सबसे पहले असुर के शरीर में जन्म, ये प्रतिकूल वातावरण है। असुर का शरीर में तमोगुण का शरीर, तमोगुण के शरीर में भक्ति नहीं कर सकते। सत्वगुण में होंगे थोड़ी भक्ति करने में उत्साह रहता है, रजोगुण में इंद्रियां इच्छाएं परेशान करती है, तमोगुण में आलस आता है। प्रहलाद महाराज आगे बोलेंगे ये उनके लिए प्रतिकूल था। फिर पूरा परिवार और पूरा समाज असुर, गुरुकुल में गए तो टीचर असुर, जो सब पार्टी थे क्लासमेट थे वो भी असुर, वो तो बाद में भक्त बना लिए गए, और बाप महाअसुर, सब पार्टी विरोधी है और वो अकेला है और उसको भक्ति टिकानी है, बोलिए। ये प्रहलाद महाराज से शिक्षा है। कहें बाबू प्रभु जी अब मैं बिजनेस सेट कर रहा हूं, थोड़ा सेट हो गया फिर देखना, मैं रोज मंगल आरती आऊंगा, भक्ति करूंगा। को बोलता प्रभु मेरी नौकरी अब अभी अभी मिली है, थोड़ा सेटलमेंट हो जाए ना फिर देखना मेरी भक्ति देखना। प्रभु जी अभी अभी मेरी शादी हुई है, पत्नी का थोड़ा बैलेंस हो रहा है भक्ति में, वो अगर एक बार बात मान जाएगी फिर मेरी भक्ति, पिताजी का ये समस्या है ठीक हो जाएगा भक्ति, ये बीमारी चल रही है हो जाएगी तो प्रभु फिर सीरियस, प्रभु अभी समाज में ये थोड़ा हमारे समाज में थोड़ा डखा चल रहा है ये ठीक हो जाएगा फिर भक्ति, ये कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये भौतिक जगत है, ये भक्ति के लिए अनुकूल है ही नहीं, प्रतिकूल है, और हमको ऐसे प्रतिकूल वातावरण में रह के अपनी भक्ति को क्या करना है? हाँ लोग नौकरी ठीक हो जाए, अब नौकरियां ठीक नहीं होगी, हवर्स बढ़ेंगे भाई, कम नहीं होने वाले हैं। हाँ ऐसे सोचेगा नहीं कि 2 घंटा ज्यादा मिलेगा तो छोड़ देगा जल्दी, तो मैं 16 माला करूंगा, अब कोई नहीं छोड़ेगा। तो कहने का भाव ये है प्रहलाद महाराज ने प्रतिकूल वातावरण अंदर क्या किया, ये एक रास्ता है बस, डिटर्मिनेशन कैसे भी कर, कोई वातावरण अनुकूल नहीं था, विचार करो तो भी अपनी भक्ति को क्या किया, टिकाए रखा, टिकाए रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है मामले। फिर प्रहलाद महाराज के जो बाल मित्र थे, जब प्रहलाद महाराज ने उनको उपदेश दिया तो उन्होंने बड़ी सराहना की प्रहलाद महाराज की, क्योंकि वो लोग अभी आसुरी की वृत्ति से दूषित हुए नहीं थे, इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं छोटे बच्चों को ये आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध रहती है, दूषित नहीं होती है। एक बार बुद्धि दूषित हो गई उसके बाद बच्चों को कृष्ण भक्ति का संदेश देना बहुत कठिन है। तो प्रहलाद के बाल मित्रों से शिक्षा ये लेना है कि उसमें लिखा है भागवत में कि जब प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने प्रहलाद महाराज से शिक्षा ली तो वो सीरियस हो गए, और उन्होंने प्रहलाद महाराज के एक एक सेकंड का संघ का उपयोग किया, संघ। तो यहां पर शिक्षा ये है सदाम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवती रित कर्ण रसायन कथा तद जोशना दस पर्ग वर्तमनी सरदार तीरा भक्ति अनुक्रम शती सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। भगवान कपिल देव माता देवती को कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं सताम इस भक्तों के संग में मेरी कथाओं का गान का सदुपयोग करते हैं। ऐसे ही जो बाल मित्र थे उन्होंने रिसेस के अंदर अपना क्लास शुरू कर दिया, बोला समय नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग, रिसेस में खेलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, खाली प्रहलाद महाराज का क्या सुनेंगे, क्लास, प्रहलाद महाराज का क्लास। तो कहने का मतलब भक्तों को सीरियस होना चाहिए, भक्तों के संग के अंदर क्या होनी चाहिए, कृष्ण कथा, वो भक्तों के संग का उपयोग होना चाहिए। भक्तों का संग मिलना बहुत कठिन है, हमारे बीच रमेश भाई बैठे हैं, 12 साल पहले जुदा हो गए थे, कुर्सी में बैठे वरिष्ठ भक्त है, 12 साल पहले हमारे क्लास में आते थे, विदेश चले गए, अभी भी टिके हुए हैं भगवान की कृपा से। अभी किसी का भक्त आया था, लखनऊ से फोन आया था, बोला प्रभु मेरे यहाँ संग नहीं है कोई भक्त, तो चौक का सुरुआ कोई था, बोला बड़ा कठिन हो रहा है माला करना करो। तो कहने बोला भक्तों के संग में ये सब उपयोग करना चाहिए, ऐसे भक्तों के संग में हम टिके रह सकते हैं कैसे भी करके, वातावरण अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है तो भी करना चाहिए। फिर
फिर प्रहलाद महाराज से 10वीं शिक्षा है, प्रतिकूल वातावरण में भी प्रचार करना। अपनी भक्ति तो कर रही है लेकिन प्रतिकूल वातावरण में क्या करना है? प्रचार। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। प्रहलाद महाराज के ऊपर सीसीटीवी लगे थे, सीसीटीवी कैमरा। हिरण्य कैसे बोला किससे बात करता है, सब कुछ रिकॉर्ड करके बताओ। फिर भी प्रहलाद महाराज मौका ढूंढ के प्रचार करते थे। हाँ, प्रभुपाद जी ने प्रतिकूल वातावरण किसने प्रचार किया? सबसे पहले प्रभुपाद जी यहां से अमेरिका गए। ऐसा हॉल नहीं था, पंखा नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं था। कहां लेक्चर दिया? पहला लेक्चर प्रभुपाद जी ने पेड़ के नीचे। हम बोलूंगा प्रभु जाओ लोगों की करो, प्रभु हॉल नहीं है, कौन साथ में आएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, मुझे कौन ले जाएगा। अरे प्रभुपाद जी ऐसे बोलेंगे तो कहां चलेगा? हाँ नहीं चलेगा ना। पेड़ के नीचे पहला लेक्चर दिया, और सुनने कौन आते हैं? हिप्पी लोग, एक गर्लफ्रेंड दूसरे गर्ल मित्र के साथ ऐसे लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे दोनों कंधे पे कंधे मिलाकर, पैर प्रभुपाद जी के और किया हुआ है, फोटो देखिए। ऐसे वातावरण में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया था, विदेशियों को वैष्णव बनाया, उनको शाम करके। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज, पूरा स्मार्ट ब्राह्मण उसके अगेंस्ट में थे, सब ब्राह्मण मिलके उनको पैसा दिया, गुंडों को इस सन्यासी को मार दो क्योंकि शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है, हमारा धंधा बंद हो रहा है कर्मकांड का। यस, प्रतिकूल वातावरण। रामानुचार्य का गुरु स्वयं, रामानुचार्य नहीं मध्वाचार्य, हाँ राम रामानुचार्य, रामानुचार्य ने गुरु ने स्वयं रामानुचार्य को मारने का प्रयास किया। आप सोचिए ऐसे वातावरण के अंदर साउथ इंडिया के अंदर उस समय शैव और वैष्णव का बहुत फिजिकल फाइटिंग होता था। एक शिष्य का आंख फोड़ दिया रामानुचारी के शिष्य का, फाट फाट ऐसे। आप सोचिए रामानुचारी वहां से भगा दिया उस शिष्य ने और बोला मैं जाऊंगा, उसकी आंख फोड़ दिया। ऐसे वातावरण में आचार्यों ने प्रचार किया है, प्रहलाद महाराज ने किया है। आप सोचिए जिसका सुपरविजन हिरण्यकशिपु करता हो और हिरण्यकशिपु की आंख की नजर से बचकर प्रचार करना कितना खतरनाक है। तो एक भक्त को कोई भी वातावरण मिले, फैसिलिटी मिले नहीं मिले, गाड़ी मिले नहीं मिले, रिक्शा मिले नहीं, कैसे भी करके हमको क्या करना है? प्रचार जारी करना बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु का यारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, महाराज के गुरु तारे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर मुसलमानों के साम्राज्य में प्रचार करते थे, पकड़े गए, 22 बाजार में कोड़ों से मारा था उसको, फिर भी प्रचार किया। ये 10वीं शिक्षा थी प्रतिकूल वातावरण में प्रचार करना। 11वीं शिक्षा है हिरण्यकश्यपु से, हाँ कृत्रिम रूप से कंट्रोलर बनने से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। कृत्रिम रूप से हम कंट्रोल बनते, अभी हम कंट्रोल बनना चाहते हैं ना, ओरिजिनल कंट्रोलर कौन है? भगवान। हिरण्यकश्यपु कंट्रोल बनना चाहता था लेकिन वो कृत्रिम था। कैसे कृत्रिम था? उसने सबको कंट्रोल किया लेकिन एक बच्चा कंट्रोल नहीं हुआ ना, उसका डिस्टर्ब हो गया पूरा, अपना ही बच्चा। 14 लोग कंट्रोल में, उसकी शांति नहीं है, एक बच्चा कंट्रोल नहीं है, उसलिए अशांति है, उसलिए भोग नहीं कर पा। अरे छोड़ो को बच्चे को यार, तू मजा कर रहे हैं। नहीं ऐसा होता है, हमारे अंडर में लोग होते हैं, हमारी बात नहीं मानते, मैं कमांडर हूं मेरी बात नहीं मानता है, ये क्या समझता है अपने आप को? आग बोले हो जाते हैं, आग बोले। हिरण्यकशिपु ऐसा हो गया था, देवराज इंद्र उसकी आज्ञा मानता है, वरुण मानता है, चंद्र मानता है, सूर्य मानता है, एक बच्चा नहीं मानता, इसे डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों? अपने आपको कंट्रोल समझ रहा है, मेरे कंट्रोल होना चाहिए सब कुछ। एक बार एक ग्रस्त मिले, प्रभु जी मेरी वाइफ है मेरी बात नहीं मानती है, बहुत गुस्सा आता है, मैं चाहती हूँ डांटूं बहुत बराबर लेकिन भाग जाएगी ना, इसलिए सहन कर रहा हूं। इसका मतलब पति समझता मैं कंट्रोलर हूं, कंट्रोलर शिष्टाचार के अंदर वो कंट्रोलर है ऐसे, लेकिन वास्तविक कंट्रोलर भगवान है। तो कहने का मतलब है कृत्रिम रूप से हम कंट्रोल बनने जाएंगे तो हम क्या रहेंगे? मेरे को कुछ कर, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ मेरे पीस कर करना है ऐसे। तो
कुत्ते उससे कंट्रोल करने जाएंगे तो ऐसा होगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। भगवान ही पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकते हैं सब जीवों को, और बिल्कुल डिस्टर्ब हो भी ना। ये एक शिक्षा हिरण्यकश्यप से है। फिर भक्तों और असुर शिक्षा है। भक्त जैसे ही भगवान को देखता है शरणागति लेता है, असुर जैसे ही भगवान को देखता है युद्ध करता है। कौन कौन एग्जाम्पल? प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप। प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव को देखा, तुरंत प्रणाम किया, स्तुति किया। हिरण्यकश्यपु ने, सॉरी, हिरण्यकश्यपु ने नरसिंहदेव को देखा, तुरंत क्या किया? क्या किया? रावण ने राम को देखा, क्या किया? विभीषण ने राम को देखा, क्या किया? शरणागति लिया। और कौन है? एक किस्सा और है कहीं। कौन कौन था? ध्रुव महाराज, जैसे भगवान को देखा शरणागति लिया। हिरण्याक्ष ने भगवान को देखा नीचे रसातल लोक में, तुरंत क्या किया? युद्ध किया। असुरों का स्वभाव, भगवान को देखो युद्ध करो। भक्तों का स्वभाव, भगवान को देखो शरणागति लो। एक शिक्षा है यहां पर। एक ऐसे अब है 13वीं शिक्षा प्रहलाद महाराज से, शिष्टाचार का पालन करना। जब भगवान नरसिंह देव बहुत क्रोधी थे और देवताओं वैकुंठ से भगवान के नंद सुदन पार्षद आए थे, उन्होंने भी स्तुति किया, तो भी भगवान नरसिंह देव शांत हुए नहीं। ब्रह्मा जी आदि इत्यादि ने स्तुति किया, भगवान शांत नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद महाराज को, तुम जाओ। प्रहलाद महाराज अपने आप नहीं गए, प्रहलाद महाराज को पता था कि भगवान मात्र और मात्र मेरी रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी स्तुति से भगवान शांत हो जाए। फिर भी नहीं गए। योग्य व्यक्ति थे वो भगवान को शांत करने के लिए, नहीं गए। ब्रह्मा जी ने, तमे हारा सकाम भक्त नहीं रहो, ऊंचो ऊंचो करी ना हो हमारा, जो बताऊं तुमने कई भक्ति करो, तुम्हें मारी भक्ति जो तुम्हें नहीं। खड़े रहे, जब तक ब्रह्मा जी की किसी की आज्ञा नहीं मिली, अपने आप पहल नहीं किया। तो ये शिष्टाचार है, वरिष्ठों की आज्ञा मिलने पर ही कुछ काम करने चाहिए। हम लोग लग जाते हैं, अपने आप को योग्य समझते हैं। प्रहलाद महाराज योग्य नहीं समझते थे, आगे आएगा बहुत सुंदर श्लोक के साथ आएगा। तो ये शिष्टाचार है, वरिष्ठ खड़े वो आज्ञा देंगे तभी हमको आगे बढ़ना है, भले हम क्वालिफाइड हो या उस काम करने के लिए सक्षम हो, लेकिन वरिष्ठों की आज्ञा जरूरी। ये प्रहलाद महाराज से शिष्टाचार। दूसरा शिक्षा हम प्रहलाद महाराज से ले सकते हैं कि हम जिस भाव में हैं ऐसे ही भाव में भगवान हमको दर्शन देंगे। अगर आप भागवत का 7वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ब्रह्मा जी को भगवान क्रोधी दिखाई दे रहे थे, देवताओं को क्रोधित, नंद सुनंद को क्रोधित, लक्ष्मी जी को क्रोधित, सबको क्रोधित। हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज के सामने ऐसा लग रहा है भगवान हंस रहे हैं, लिखा है ऐसा, क्रोधित ही थे। क्यों? ये यथा माम प्रबंधन्ते, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान को तो स्माइल देते हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो थोड़ा दौड़ के चले गए। भाई कोई सिंह क्रोधित है, कोई नजीक जाएगा? नहीं जाएगा। उनको तो क्रोधित दिखाई नहीं दे रहे थे, उन्होंने तो क्रोध में देखा ही नहीं भगवान को, स्माइल ही दे रहे थे वो तो। जब प्रकट हुए उससे पहले ही स्माइल दे रहे थे, कमरे में बैठे बैठे, मैं इधर हूं, चिंता मत करो, बोल दो इसको बदमाश को, हाँ, कि मैं सर्वव्यापी हूं, बोलो, ऐसे इशारा कर दो। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बड़े निर्भयता के साथ बोला कि मेरा भगवान सर्वव्यापी है और कमरे में भी है, ऐसे बोला, ऐसे करके बोला, मतलब वो अंदर दिख रहे थे। भगवान बोला, हाँ बोल बोल, ऐसे भगवान हंस रहे थे, बोल ऐसे। तो कहने का मतलब यह है कि वो तो हंसते हुए देखा दे। क्यों ऐसा? उन्होंने इतना उच्च भाव को प्राप्त किया था। जैसे भगवान कृष्ण मथुरा गए, कंस ने कृष्ण को साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, मल लोगों ने लगाया यार इसके मसल्स बहुत जबरदस्त, हालांकि मसल्स दिख नहीं रहे थे वो, देखो मल थे उसको मसल दिख रहे थे। आहा, अब मजा आएगा लड़ने का, हमारे जैसा बॉक्सर आ गया है। क्या आ गया है? बाउंस बॉक्सर आ गया है। और जो गोप बालक थे वो देख रहे, अरे हमारा सगा आया। नंद ने देखा, अरे मेरा बेटा आया। गोपी ने देखा, अरे हमारा प्रेमी आया। सामान्य स्त्री ने देखा, अरे ये तो कामदेव आए। जो जिस दृष्टि थी ऐसे ही उन्होंने भगवान का क्या किया, और भगवान ने भगवत गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते भजामि हम मम वर्तमान मन्तते मनुष्य सर्वस्व। जो मुझे जिस भाव में भजेगा ऐसे ही भाव में मैं आदान प्रदान करूंगा।
प्रहलाद नाथ का भाव शुद्ध था, इसलिए उनको हंसते हुए भगवान दर्शन दे रहे थे। ये शिष्टाचार, अरे ये शिक्षा है। फिर प्रहलाद महाराज गए तो प्रहलाद महाराज ने स्तुति किया। अब स्तुति 7.9.8 में किया। अब स्तुति में प्रहलाद महाराज देखना क्या शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री प्रहलाद वाच ब्रह्म आदय सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वे कताना गतयो वचसाम प्रवाहे न आराधितु पुरु गणे धुनुदापि विप्रु किम तोष्टु मर्षि में हरि जजायते। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न कर सकूं, जबकि बड़े बड़े ब्रह्मा और देवता सतोगुण में स्थित होने के बावजूद भी आपको प्रार्थना करके संतुष्ट नहीं कर पाए, तो ये कैसे संभव है कि मुझसे ऐसा अधम आपको प्रार्थना करे और आप संतुष्ट हो जाए। हालांकि वो सक्षम थे, योग्य थे, लेकिन ये प्रहलाद महाराज की क्या बोल रही है? नम्रता। क्या बोल रही है? नम्रता। यस, एक न एक मात्र प्रहलाद नरसिंह भगवान प्रकट हुए, एकमात्र प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए। उस श्लोकन सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मांसम। वो इसलिए खंभे पर बोले कि मेरा भक्त कभी गलत नहीं बोलता है। सत्यम सत्य करने के लिए विदातुम बोले हुए, अभी सत्यम विदातुम निज भृत्य, निज में से अपना भृत्य में सेवक, भाषितम इस बोला हुआ अपने भक्त के वचनों को सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए, और कोई कारण नहीं, इन्हें किसी मारना सेकेंडरी था। तो यहां पर प्रहलाद महाराज की नम्रता देख सकते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज इतने योग्य होते हुए भी बोल रहे हैं मेरे जैसा अधम आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है। ये पहला श्लोक है प्रहलाद वास पहला। फिर दूसरा, फिर अच्छा नरसिंह देव बोले अच्छा तो बेटा तुम कैसे मेरे को मेरे कोई मेरे को कैसे प्रसन्न कर सकता है। तो उन्होंने कहा न धन से न दान से न ताग से न तपस्या से न इससे निससे, केवल या भक्ति असत कब्रे हुआ है, केवल भक्ति से ही आप प्रसन्न हो सकते हैं। और उसका उदाहरण दिया गजेंद्र। गजेंद्र ने एक भक्ति से पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया परिषदी, एक पुष्प दिया प्रेम से और भगवान को आकर्षित कर लिया बेंगुड़ से और खींच के आगे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर और गजेंद्र को बचा लिया प्रेम से ऐसे इस तरह से। तो भगवान को इसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने 16वीं शिक्षा दिया, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया, कृतज्ञता। उन्होंने बोला हे प्रभु भला मैं नारद मुनि को कैसे भूल सकता हूं, मेरा एक कर्तव्य एकमात्र नारद मुनि की सेवा करना है, जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के माध्यम से जिन ज्ञान की शिक्षाओं से मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, भला मैं नारद मुनि को कैसे भूल सकता हूं। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, जिनकी कृपा से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, उसकी कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थना में अपना मूड व्यक्त किया, एक भक्त का मूड कैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर है। प्रायेण देव मुनिया सविमुक्ति कामा मौनम चरंती विजनेन परार्थ निष्ठा नितान विहाय कृपणान विमुक्षे को नानम तदस्य शरणम ब्रह्म तो अनुपस्ये। इसका अनुवाद इस प्रकार है, प्रहलाद महाराज अपना मूड व्यक्त करें, एक भक्त का मूड कैसा होना चाहिए। प्रायण देव मुनि सभी मुक्ति कामा, प्रायण लगभग हे देव मुनि गण है वो अपनी मुक्ति में क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। क्या बोले हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूं कि संत तो अनेक है किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं, वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करके मौन धारण करते हुए हिमालय या वन में चले जाते हैं, दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते हैं, किंतु जहां तक मेरी बात है मैं इन बिचारों और मूर्खों को छोड़कर अकेले बैंकुट नहीं आना चाहता, इनको इस संसार में दुख भुगते हुए मैं नहीं देख सकता, ये लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सागर में दुख भोग रहे हैं, इन सबको मैं इस दुख से उठाना चाहता हूं। ये मूड किसका है? प्रहलाद महाराज। पर अर्थ निष्ठा, पर दूसरा दूसरों को, पर दूसरा अर्थ, अर्थ मीन्स कल्याणकारी, निष्ठा दूसरों के कल्याण में निष्ठा रखना चाहिए बिल्कुल, और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान ने बताया श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एतावजनम साफल्यम देहे नामी देशु
प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। एताव जन्म साफल्यम, मनुष्य जन्म की सफलता किसमें? एताव जन्म साफल्यम देह नाम ई देशु, जिसने ये शरण धारण किया है। एताव जन्म साफल्यम देह नाम ई देशु, प्राणे, पहले तो प्राण दे दो। प्राण दे दो मतलब आत्महत्या नहीं करना है, युद्ध में बलि नहीं देना है, प्राण देना है मतलब जीवन समर्पित करना है। किसके लिए? प्रचार के लिए, मतलब फुल टाइम ब्रह्मचारी बन जाओ। पहला, कोई बोलता नहीं बन सकता, वो सेकंड ऑप्शन दिया, अर्थे यथाशक्ति जम दो प्रचार करने के लिए। वो नहीं दे सकते तो क्या है? प्राणे अर्थे दिया। हमारे पास क्या है? बुद्धि है, बुद्धि। और हम इस बुद्धि का उपयोग क्या करते हैं? 1 2 का 40 करने में लगाते हैं पूरा दिन। 1 2 का 40, 1 2 का 40, 1 2 का 40। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ कि 1 2 का 40 भक्त कैसे बनाना है, 1 का 40 कैसे बनाना है। 1 घंटा खाली उसके बारे में सोचो, 23 घंटा सोचो आपके लिए, बराबर ना? प्राणे अर्थे धिया। कोई बोले मैं बुद्धू हूं, क्या हूं? बुद्धू मतलब मेरे पास बुद्धि नहीं है, तो लास्ट में क्या है? वाचा, वाणी तो है ना। बोलो लोगों को, हरे कृष्ण बोलो, गीता का उपदेश दो। प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय, श्रेय मीन्स कल्याण, आचरण सदा करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पर अर्थ में निष्ठा नहीं रखते, लेकिन जहां तक मेरी बात है मैं इनको छोड़ नहीं सकता। और प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, मैं इनको छोड़कर अकेले मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं इन सब जीवों को। चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रहलाद महाराज मुरारी गुप्त है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किया, प्रभु इस जगत के जितने भी जीव है उसके सब पाप मुझे देखो, और यमराज को बोलो मुझे मारे करोड़ों साल तक, और इन जीवों को संसार में जुटा लो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, कृष्ण नहीं असमर्थ, कृष्ण असमर्थ नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार सब जीवों को उठा लेंगे और आपको पाप भुगतना नहीं पड़ेगा। ये आपका भाव है ना, आप पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज थे, इसलिए अंदर आपका ऐसा भाव है। ऐसा प्रहलाद महाराज का भाव था, दूसरे जीवों को कष्ट में से बाहर निकालना। वैष्णव तुम्हारे तेने कहिए पीढ़ पर आई जाने, दूसरों के दुखों को जानना वैष्णव है। और प्रहलाद महाराज आगे कहा, न न तो अन्नस्य शरणस्य भ्रमतो अनुपस्य, जब तक जीव आपके शरण में नहीं आता है तब तक ये जगत में दुख भुगतता रहेगा, इसलिए मैं आपके शरण में लाना चाहता हूं। ये मूड था। अब प्रहलाद महाराज से अंतिम शिक्षा है। जब नरसिंहदेव भगवान ने प्रार्थना किया, सॉरी प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया, नरसिंहदेव भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। निखालस प्रार्थना थी उसमें, श्रेय था, प्रेम था, निस्वार था, बोला वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज का, मैं बनिया नहीं हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं कि मेरी भक्ति के बदले मैं सौदा करूं आपसे, मुझे ये दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोला मांगो वरदान मांगो, भौतिक वरदान मांगो। बोला भौतिक वरदान नहीं चाहिए। क्यों? प्रहलाद महाराज ने, आचार्य कहते, 2 कारण से भौतिक वरदान नहीं मांगा। पहला कारण क्या है? प्रहलाद महाराज देखा, देखो इसके पास कितना भौतिक वरदान था, किसके पास? ये मरा पड़ा है क्या काम का भौतिक वरदान, रवन इतना बड़ा वरदान था ब्रह्मा जी का, अंदर नहीं बाहर नहीं ऊपर नहीं, नहीं वो वरदान, वरदानों के ऊपर वरदान, वरदानों के ऊपर वरदान, ये मरा पड़ा, क्या फायदा है इस वरदान का? सब कुछ चला गया, कमल दल जल जीवन टल मल भज हु हरि पद नी तीरी, क्या काम का वरदान, क्या काम का सोने का सिंहासन। इन्हीं का सिर्फ का सिंहासन कितना बड़ा था बताए? 275 फुट ऊंचा था। कितना ऊंचा था? हाँ, रत्न जड़ित सोने का सिंहासन, इतना बड़ा सिंहासन था, आप सोचिए। आचार्य कमेटी लिखी है 275 फुट, फिर भी वो इन्हीं कैसे भगवान नरसिंह साहब ने एकदम मच्छर जैसा लगता था। ये सब 13 लोगों की सत्ता, कितने लोगों की सत्ता? सब कुछ पानी में चला गया, वज्र जैसा शरीर था, वज्र, देवराज इंद्र वज्र मारे तो वज्र टूट जाएगा उसमें लिखा है, ऐसा शरीर था भगवान ने, ऐसे ही बस पूरा हो गया। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो एक लकड़ी देता है पति फाड़ देता है, ऐसे भगवान ने, तव कर कमल वरे नखा मजबूत सिंह, क्या बात। दूसरा, प्रहलाद महाराज ने भौतिक वरदान इसलिए नहीं मांगा, भोग ऐश्वर्य परक्षतानाम दयापत चेतसाम समाधो न विधीयते, भोग ऐश्वर्य ज्यादा है तो भगवान की भक्ति में समाधि लगेगी। कुंती महारानी भी होता है जन्म ऐश्वर्य श्री सुधीर मानद, अगर ये 4 चीज जिसके पास होती है
वो गंभीरता से भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज ने ठुकरा दिया, भगवान ने दिया, प्रहलाद महाराज ने दिया वरदान। प्रहलाद महाराज ने दो वरदान मांगे, एक अपने लिए एक दूसरों के लिए। अपने लिए मांगा कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना रहे, क्या ना रहे, और दूसरों के लिए हृदय के सुख के लिए मांगा कि इसका उद्धार हो जाए क्योंकि आपका द्वेष करता था। तो नरसिंह देव ने कहा त्रिसप्तमी पूत पापा पितर भी ही सहते अनगह, वो सब तो मुक्त हो गए। मुक्त हो गए से मतलब उनको भक्ति मिल जाएगी और वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रहलाद महाराज को दो वरदान दिया, तेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी और तेरा बाप भी मुक्त हो जाएगा। उसके बावजूद भी भगवान ने वरदान दिया, बताए तीन वरदान दिया। पहला वरदान दिया एक मन्मंत्र का, हिरण्यकशिपु का सिंहासन दिया एक मन्मंत्र तक। कितने मन्मंत्र तक? ध्रुव महाराज को 37,000 साल का राज्य मिला। कितने साल का? प्रहलाद महाराज को एक मन्मंत्र तक का राज्य मिला। एक मन्मंत्र कितना होता है किसी को बताएं? 72 चतुर्युग, ये चार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 42 लाख अने 20,000 साल को 72 टाइम करोगे इंटू 72 टाइम, इतना समय हिरण्यकशिपु का राज सिंहासन प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव भगवान ने दिया बिना मांगे। भगवान से मांगने की जरूरी है, भगवान को पता है प्रहलाद भक्त बनेगा तो सबको भक्त बनाएगा। हाँ, सबको भक्त बनाएगा। ब्रह्मा जी ने, रावण ने अमर होने का वरदान मांगा, उसको नहीं दिया, विभीषण को सामने से दी दे तू अमर हो जा। क्यों? बोला पता है इसको अमर होने का वरदान दूंगा तो ये क्लास चालू नहीं रखने देगा, और विभीषण को अमर होने का वरदान दूंगा तो राम नाम का प्रचार करेगा। ब्रह्मा जी बड़े बुद्धिमान थे। अरे उसने मांगा उसको नहीं दिया, नहीं मांगा उसको सामने से दे दिया। तो भगवान ने स्पेशल और क्या वरदान दिया बताए? मेरा विस्मरण कभी नहीं होगा, तो राजा बनेगा लेकिन मुझे भूलेगा नहीं, मेरी भक्ति अभी चलेगी ऐसी भक्ति। और तीसरा, ये भौतिक शरीर है वो त्यागने के बाद तुम कहां आएगा? वैकुंठ आएगा मेरे पास, नरसिंह लोक के धाम में। ये वरदान दिया। तो हम प्रहलाद महाराज से शिक्षा ले सकते हैं कि हमें भगवान से भौतिक वर नहीं मांगना चाहिए। दे देंगे भगवान, बहुत देते हैं बिना मांगे, बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप लोग ग्रस्त हैं और कभी जरूरत पड़ती है मांगने के, तो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है वो मांगना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारियों को तो कोई मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही भगवान दे देते हैं। कृष्ण लक्ष्मी पति है, लक्ष्मी पति है, कोई कमी नहीं है लक्ष्मी जी उनके पास। कमी तो हमारी भक्ति और शरणागति की है। हरे कृष्णा। तो यहां पर ये नरसिंह अवतार के कथा के संबंधी कुछ शिक्षाएं थी, मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा याद रहेगा। किसी किसी समय है 5 मिनट तक, ऐसे किसी क्या शिक्षा लिया? पहली शिक्षा हिरण्यकश्यपु दिया कि ज्ञान को मात्र सुनना नहीं है, जीवन में क्या करना है। दूसरी दिया कि तपस्या है वो आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए जिससे हमको आध्यात्मिक दिव्य आनंद मिले। तीसरी शिक्षा उल्टा सीधा आशीर्वाद नहीं देना है ब्रह्मा जी से। चौथी शिक्षा हजारों जन्मों तक इंद्रिय भोग करेंगे संतुष्ट नहीं होंगे, हिरण्यकशिपु को नहीं हुआ, इंद्रियों को संयम नहीं हुआ। तो इंद्रिय संयम है तो सुखी हो सकते हैं, इंद्रिय संयम होना चाहिए। पांचवी शिक्षा देवताओं से कि समझ हमारी जो समस्या है उसका मूल समाधान शुद्ध भक्ति है, क्योंकि इससे जगत से बाहर निकल जाएंगे कोई परेशानी नहीं आएगी। छठी समस्या प्रहलाद महाराज रक्षति इति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास, छठी शिक्षा। सातवीं शिक्षा है जब वो महात्माओं को सताता है तो आयु यश सौंदर्य कीर्ति ये सब चला जाता है। आठवीं शिक्षा प्रहलाद महाराज से प्रतिकूल वातावरण में भी भक्ति चालू रखना, माया कभी आके बोलेगी नहीं बेटा अब तेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, भौतिक जगत में सब कुछ ठीक नहीं चलेगा, परिवार ठीक हुआ तो बिजनेस बिगड़ेगा, बिजनेस ठीक हुआ तो परिवार बिगड़ेगा, परिवार बिगड़ा नहीं तो समाज बिगड़ा, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आएंगे। तो प्रतिकूल वातावरण में भक्ति को जारी रखना, ये आठवीं शिक्षा। नौवीं शिक्षा बाल मित्रों का भक्तों के संग सदुपयोग। दसवीं शिक्षा प्रहलाद महाराज का प्रतिकूल वातावरण में भी क्या करना प्रचार। 11वीं शिक्षा हिरण्यकशिपु से
कृत्रिम रूप से हम कंट्रोलर नहीं बन सकते हैं। हाँ, ऑथोरिटी सेवा दिया है भक्तों को देखना, लेकिन सोचना मैं इन लोगों का सेवा दिया इसलिए कर रहा हूं, मैं इनका कंट्रोलर नहीं। 12वां है, भक्त भगवान की शरणागति लेता है देखने से और असुर लड़ते हैं। 13वीं शिक्षा है, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का इंतजार करना चाहिए। इवन गाने बजाने में कई बार गाने वाले दीक्षित भक्त खड़े हैं, नॉन दीक्षित गाना शुरू कर देते हैं, ठीक है वो गाना नहीं चाहते, पूछ सकते हैं प्रभु मैं गाऊं क्या, ये शिष्टाचार है ऐसे। वैसे तो भगवान के सामने दीक्षित भक्तों को ही गाना चाहिए, नहीं है वो तो अदीक्षित गा सकते हैं, लेकिन आज्ञा पालन करके ऐसे। एक एक एग्जाम्पल इस सब में ऐसा होना चाहिए। इवन प्रसाद सर इसमें ऐसा नहीं उठा के ले चालू कर दिया है, जो इंचार्ज से पूछो तो क्या है क्या सर करूँ कितना दू ये शिष्टाचार होना चाहिए ऐसे। तो शिष्टाचार का पालन 13वीं शिक्षा। 14वीं शिक्षा है, जिस भाव में हम भगवान को देखेंगे उस भाव में भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। 15वीं शिक्षा की नम्रता, योग्य होते हुए अपने आप को अयोग्य समझता। जो व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा मांगता है भक्ति विकास महाराज से, महाराज उसकी दीक्षा को कैंसिल कर देते हैं। जो ब्राह्मण दीक्षा मांगता है उसको देते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं ब्राह्मण बन गया हूं, अपने आप को ब्राह्मण क्वालिफाइड समझता है। वो ब्राह्मण दीक्षा शुरुआत है, क्वालिफाई क्वालिफिकेशन नहीं है। महाराज बोले इसको ब्राह्मण दीक्षा बंद, सीनियर अथॉरिटी रिकमेंड करता है कि इसको ब्राह्मण दीक्षा दो तो ही मार देते, नहीं तो हम समझते मैं ब्राह्मण बन गया, तो हम योग्य समझते हैं, तो योग्य नहीं, हम लोग अयोग्य है, भक्ति के अयोग्य है। प्रहलाद महाराज की नम्रता है। 16वां शिक्षा, गुरु के प्रति कृतज्ञता। 17वीं शिक्षा, प्रहलाद महाराज ने अपने मूड व्यक्त किया है कि भक्त को प्रचार करना चाहिए, दूसरों के जीवों में रुचि लेना चाहिए। और ये 17वीं शिक्षा। 18वीं शिक्षा है कि हमें भगवान से भौतिक वरदान नहीं मांगना चाहिए। हरे कृष्णा।